त्योहार है वो? यस है ना, गौरी व्रत है ना। और सौराष्ट्र में वो अग्यारस से शुरू करते हैं, हम यहाँ तेरस से शुरू करते हैं। यहाँ तेरस से जया पार्वती व्रत भी शुरू होता है। जया पार्वती व्रत में क्या है, शंकर भगवान की मंदिर में जाकर पूजा करनी है। और गौरी व्रत में क्या है कि हम पांच धान या सेवन धान अनाज को मिट्टी और गोबर मिला के एक टोकरी में डालेंगे 7 दिन पहले, तो फिर वो अंकुरण फूट जाएगा और वो हम उसकी पूजा करेंगे, है ना। सब करते हैं क्योंकि इसी समय बारिश आते हैं और हम धान को उगाते हैं, जो अंकुरण फूटते हैं उसमें अच्छा सा क्रॉप जो भी हमने लगाया, मानो के गेहूं डाले तो अच्छा सा गेहूं बने, इसीलिए हम ईश्वर का आभार मानते हैं और उस धन की हम पूजा करते हैं, है ना। लड़कियां ही क्यों करती हैं, बॉयज क्यों नहीं करते? क्योंकि घर में ऐसा बोला जाता है कि पापा बड़े होते हैं घर में, है ना, मम्मी से ज़्यादा पापा का सब हैंडलिंग होता है और उनको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है घर में, बेटियाँ होती है ज़्यादातर घर में। देखना पापा को अपनी लड़कियाँ प्यारी होती है, ऐसा नहीं कि लड़का नहीं प्यारा है, पर ज़्यादातर वो लाड प्यार किसको करते हैं, अपनी बेटियों को। क्यों? कि वो थोड़े दिन की मेहमान है, ससुराल चली जाएगी, ऐसा सोचते हैं। ओके, इसीलिए वो अपनी बेटियों को ऐसे भगवान को बोलते हैं जैसे मनोमन के आप जो हमें एक दाना हम डालते हैं जमीन में बोते हैं उसमें से आप ढेर सारा करते हैं, तो आपका इस आभार इस ऋण को हम अदा कैसे करेंगे, तो हम अपनी प्यारी बच्चियों से फास्ट करवाएंगे और उससे इस धन की पूजा करवाएंगे। ओके, तो इसीलिए हम ये फास्ट करते हैं और उसी दिन हम गौरी व्रत में वो अनाज जो भिगो के डालते हैं मिट्टी में उसकी पूजा करते हैं, है ना। हमें करनी चाहिए, हाँ, हर फार्मर को तो करनी चाहिए, उनके घर बेटी ना हो फिर भी उन्होंने उनको करनी चाहिए। ओके ना, तो चलो आज हम अल्फाबेट आ का पार्ट 2 सीखेंगे। ओके, है ना। सौराष्ट्र में तो गौरी व्रत 11 से शुरू होता है, जैसे देव शयनी एकादशी बोलते हैं, मीन्स भगवान सो जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है भगवान थोड़े सो जाते हैं, नहीं तो हमारा हार्ट चलता रहता है, वो कौन चलाता होगा। पर ऐसा बोलते हैं भगवान रेस्ट करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पहले तो हम खेती प्रधान थे, ऐसे कंपनियां नहीं थी और कोई नौकरी नहीं थी, सिर्फ हमें खेत में जाते थे और अनाज के दाने जमीन में डालते थे और उसके बाद जो अनाज उगता था उसमें से ही हमारा गुजारा होता था। तो भगवान ऐसा बोलता है कि इसमें देख तू तेरी मेहनत कितनी है और मेरी कृपा कितनी है ना। मैं तो सो गया था, पर भगवान सोते नहीं है, सोते सोते भी अपना ख्याल रखते हैं, पर हमें इतना जरूर बोलते हैं कि तू मेहनत करते जा, तेरा ख्याल तो मैं रखूंगा, पर सब क्या है तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ओके ना, तो भगवान सो नहीं जाते, भगवान आराम करके हमारा निरीक्षण करते हैं, है ना। तो चलो आज हम अल्फाबेट आ का दूसरा पार्ट सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि क से लेके न तक सबके साथ हम आ मिलाएंगे तो का खा गा ऐसा हमारा शब्द बनेगा, ऐसा वर्णन बनेगा। ओके, तो देखो यहाँ श और अड़ है, उसके साथ हमने आ मिलाया तो शाड़ा मीन स्कूल बन गया। फिर ख है और ब है, उसमें व के साथ हमने जब आ मिलाया तो नया वर्ड बन गया खभा मीन शोल्डर। ओके, फिर र के साथ और ज के साथ दोनों के साथ हमने आ मिलाया तो एक नया वर्ड बन गया राजा, राजा मीन्स किंग। ओके, फिर चरणा, तो च के साथ नहीं मिलाया आपको पर अण के साथ मिलाया तो ना बन गया चरणा। ओके, तो चना वो हम खाते हैं ना, हाँ सिंह चना ऐसा बोलते हैं ना, हाँ। फिर क के साथ मिलाया आपको तो काम बन गया, हमारा ये काम बन गया। फिर प के साथ मिलाया तो पा प ड, तो प के साथ आ को मिलाया तो पापड़ ऐसा वर्ड बन गया। यहाँ म के साथ मिलाया तो मा खण ऐसा बन गया। ओके, म के साथ मिलाया तो म कान तो का बन गया। फिर द राख, तो रा के साथ मिलाया तो दराख मीन्स द्राक्ष बन गया। फिर पा टोला, उसमें हमने पा के साथ भी आ मिलाया और रा के साथ भी मिलाया गया तो वो पूजा के लिए हम रखते हैं ऐसा बड़ा पाटला बन गया, नया वर्ड बन गया। फिर र के साथ मिलाया य और अण रखा और र के साथ हमने आ मिलाया तो रायण, ऐसा येलो कलर का छोटा छोटा आता है, उसका टेस्ट चीकू जैसा लगता है।
खाना है ना, समर में मिलता है वो। फिर पताका, जैसे हम मंदिर में ध्वजा होती है ऐसे राजा होता सिंबल्स वाला भी एक होता है, उसको हम पताका बोलते हैं। ओके, तो त के साथ आ मिलाया, प के साथ आ मिलाया, तो पताका। फिर साधन, हाँ तो साधन रसोई के भी साधन होते हैं, इलेक्ट्रिक के भी साधन होते हैं, तो स के साथ आ मिलाया तो साधन बन गया। फिर वापस सागर, तो के साथ हमने क्या मिलाया, आ मिलाया तो सागर बन गया। ऐसे गागर वो पानी की छोटी सी मटकी होती है, उसको हम मिट्टी की जो मटकी उसको गागर बोलते हैं। फिर यहाँ देखो वर्ड चार वर्ड दिए हैं, म और य है, उसके साथ आ मिलाया तो माया माखन खा, ख के साथ आ मिला दिया तो उसको माया को बोल रहे हैं कि तू माखन खा। फिर धारा फटाकड़ा ला, तो धारा नाम में ध के और र के साथ आ गया तो धारा बन गया। धारा फटाकड़ा लाओ मीन्स वो फटाके वो लेके आ। आशा शाक वगैरह, अ के साथ स के साथ, यहाँ भी स के साथ, यहाँ व के साथ आ मिलाया तो कैसा अलग अलग सेंटेंस बन रहा है। एक में नाम बनाया, एक में सब्जी का नाम, और इसको क्या करना है क्रियापद बना दिया है। फिर छाया हार बनाओ, है ना, छाया में हार बनाओ मिली। तो आज हम आ का पार्ट टू देखे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्री पार्ट देखेंगे, उसमें भी बहुत सारे आ से शुरू वर्ड्स को भी सीखेंगे और उसको मिला के भी कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, तो बाय बच्चों।